नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। के पाठक ने 70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर लिया अपडेट। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक के इस जिले में सबसे ज्यादा मामला दर्ज। अब इस दिन भरा जाएगा इंटर परीक्षा का फॉर्म। बिहार के ईशान किशन के परफॉर्म पर उनके पिता ने कही ये बात। बिहार के बेटी ने देश को जिताया मेडल। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। के पाठक ने 70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर लिया अपडेट। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव 8 दिन के बाद अब बीते दिन से अपने कार्यालय पहुंचने लगे हैं। वहीं कार्यालय आते ही उन्होंने आगामी 70,000 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती की हो रही तैयारियों को लेकर अपडेट लिया। बता दें कि बहुत जल्द ही विभाग की ओर से इस भर्ती को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग की अधियाचना भेजी जाएगी। मालूम हो कि अगले चरण में 70,000 पदों पर होने वाली बहाली में मध्य विद्यालयों के 31,982 तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के 37,660 पदों पर बहाली की जाएगी। इसको लेकर विभाग की ओर से जिलों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि वे रजिस्टर क्लियरेंस पर जिलाधिकारी से अनुमोदन लेकर विभाग को भेजे। वहीं विभाग के आदेश के बाद कई जिलों के द्वारा विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है, तो वहीं कई जिले ऐसे भी हैं जिन्हें अभी रिपोर्ट भेजना बाकी है। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक के इस जिले में सबसे ज्यादा मामला दर्ज। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई पेपर लीक मामले को लेकर पुलिस के द्वारा लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में अब एडीजी नैयर हसनैन के द्वारा इस मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है कि एसआईटी की जांच में परीक्षा में गड़बड़ी के साथ ही वित्तीय लेनदेन के साक्ष्य भी मिले हैं, जो कि यूपीआई के माध्यम से किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में राज्य के 21 जिलों में 67 केस दर्ज किए गए हैं और इनमें 148 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। बता दें कि सबसे ज्यादा मामला सारण जिले के छपरा में दर्ज किया गया है। इसके अलावा जांच में बड़ी संख्या में ब्लूटूथ वॉकी टॉकी मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं, जिनकी फिलहाल जांच की जा रही है। नेशनल स्वास्थ्य चैंपियनशिप में बिहार ने दिखाया दमदार प्रदर्शन। 1 से 3 अक्टूबर तक चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल स्वास्थ्य चैंपियनशिप में बिहार की ओर से अपना दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए 7 गोल्ड मेडल समेत 1 सिल्वर व 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। और इसके साथ ही बिहार ने 3 नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किए हैं, जिनमें इंडिया बेस्ट डिसिप्लिन टीम अवार्ड, इंडिया बेस्ट फाइटर अवार्ड व प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड शामिल है, जिसमें इंडिया बेस्ट डिसिप्लिन टीम अवार्ड सचिव सह मुख्य कोच सिहान और राहुल श्रीवास्तव को दिया गया। वहीं इसके अलावा इंडिया बेस्ट फाइटर अवार्ड नासिर फिरोज को दिया गया है और प्लेयर्स ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट अवार्ड रोहित कुमार प्रजापति को दिया गया है। इसके अलावा जिन खिलाड़ियों के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है उनमें सृष्टि भारद्वाज, अनुष्का अभिषेक, उपासना आनंद, नासिर फिरोज, रोहित कुमार प्रजापति, हिमांशु राज और तेजस राम का नाम शामिल है। वहीं सिल्वर मेडल सनी श्रीवास्तव और ब्रॉन्ज मेडल सनी कुमार ने जीता है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को मिली बड़ी राहत। आज दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत दे दी गई है। दरअसल आज राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस मामले की सुनवाई को लेकर कोर्ट पहुंचे थे, जहां अदालत की ओर से उन्हें जमानत देते हुए राहत दे दी गई। वहीं सुनवाई के बाद लालू यादव के द्वारा पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा गया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए उन्हें किसी बात का डर नहीं है। मालूम हो कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2023 को की जाएगी। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर लालू यादव के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार में जातीय गणना पर कहा गया कि यह पूरे देश में होना चाहिए, ताकि इससे पूरे देश के गरीबों को, दलितों को, सभी को लाभ मिले। इसके अलावा तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया कि जो सच बोलता है उसके खिलाफ मोदी के राज में कार्रवाई होती है और ये सबको पता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा। मैथिली ठाकुर ने खादी को लेकर कहा ये। लोगों के बीच खादी को बढ़ावा मिल सके इसको लेकर प्रसिद्ध लोक गायिकी मैथिली ठाकुर इन दिनों खादी के कपड़े पहनने और खादी से बने वस्तुओं का उपयोग करने के लिए लोगों से अपील कर रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में खादी को लेकर अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं लगातार लोगों से अपील करती हूं कि वे खादी का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ खादी ही पहनती हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। उन्होंने कहा कि पहले खादी के कपड़े केवल नेताओं और बुजुर्गों को पहनने का शौक था, जिससे कि इसकी बिक्री कम हो गई थी और खादी का कपड़ा बनाने वाले बुनकर की रोजी रोटी छिन गई और वे सड़क पर आ गए, लेकिन अब सरकार के द्वारा इस पर ध्यान दिया गया है। अब इस दिन भरा जाएगा इंटर परीक्षा का फॉर्म। अगर आप भी उन छात्रों में से हैं जो बिहार बोर्ड इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 में भाग लेने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए है।
बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से अब इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 को लेकर भरे जाने वाली फॉर्म की तारीख को बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि पहले इस परीक्षा के लिए भरे जाने वाले फॉर्म की आखिरी तारीख बोर्ड के द्वारा 22 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11 अक्टूबर 2023 तक कर दिया गया है। ऐसे में अब इस काम को छात्र अपने संबंधित शिक्षण संस्थान की मदद से 11 अक्टूबर तक पूरा कर सकते हैं। मालूम हो कि बोर्ड की ओर से यह निर्णय छात्रों के हित को देखते हुए लिया गया है। इस बारे में बोर्ड की ओर से एक्स पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दे दी गई है। बिहार के ईशान किशन के परफॉर्म पर उनके पिता ने कही ये बात। 5 अक्टूबर से विश्व कप 2023 की शुरुआत हो रही है, ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों के बीच इसको लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं बिहार में जन्मे ईशान किशन भी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम में शामिल हैं। ऐसे में अपने बेटे के परफॉर्म को लेकर उनके पिता के द्वारा ईटीवी से बात करते हुए कहा गया है कि ईशान किशन के अंदर बहुत प्रतिभा है, वह खुद को किसी भी परिस्थिति में समायोजित कर अच्छा खेल सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ईशान का प्रदर्शन अच्छा था और केएल राहुल के साथ उनकी साझेदारी भी अच्छी थी। इंडियन प्रीमियर लीग में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। वहीं दोहरे शतक को लेकर ईशान किशन के पिता ने कहा कि यह उस पर निर्भर करता है कि उन्हें कितना मौका मिलता है, किस नंबर पर बल्लेबाजी मिलती है, स्कोर बड़ा हो या छोटा, सब कुछ स्थिति पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है, मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम करेगी। पटना जंक्शन को जोड़ने वाले अंडरग्राउंड सबवे का निर्माण अब इस दिन से होगा शुरू। पटना जंक्शन पर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और लोगों को नई सुविधा मुहैया कराने के लिए 400 मीटर लंबे सबवे प्रोजेक्ट के पहले हिस्से का काम जारी था, लेकिन अब त्योहारी सीजन और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए इस काम को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि अब यह काम दुर्गा पूजा व दशहरा के बाद नवम्बर से शुरू किया जाएगा। मालूम हो कि इस कार्य को करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेंसी के रूप में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को सौंपी गई है। बता दें कि 400 मीटर लंबे बनने वाले इस सबवे आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें रोशनी, सीसीटीवी कैमरे, यूटिलिटी सेंटर, टॉयलेटर, एस्केलेटर, लिफ्ट, रैंप, स्वच्छ जल प्रसाधन, कैफेटेरिया, एटीएम व खुदरा दुकानें शामिल होंगी। वाहन चेकिंग के दौरान गया में भारी मात्रा में शराब बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला गया का है, जहां पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान झारखंड से आ रही एक पिकअप वैन से कुल 724 बोतलें शराब की बरामद की गई है। वहीं पुलिस के द्वारा वैन को जब्त कर लिया गया है और शराब अधिनियम के तहत मेडिकल थाने में केस दर्ज किया गया है। इस बारे में डीएसपी विधि व्यवस्था खुर्शीद आलम के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि पिकअप वैन पर सवार तस्कर को जैसे ही पुलिस पर नजर पड़ी तो वे गाड़ी मोड़कर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा पीछा करने के दौरान पिकअप वैन पलट गया। हालांकि इस दौरान मौका पाकर ही चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी जानकारी फिलहाल पुलिस के द्वारा जुटाई जा रही है। बिहार की बेटी ने देश को जिताया मेडल। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित एशियाई अंडर 18 रग्बी चैंपियनशिप में भारतीय गर्ल्स टीम का हिस्सा बिहार के सुपौल के पिपरा प्रखंड के निर्मला बाजार निवासी पवन कुमार की बेटी अंशु कुमारी के द्वारा बिहार का नाम रोशन करने का काम किया गया है। दरअसल इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम फाइनल में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपने नाम सिल्वर मेडल की है, जिसमें अंशु कुमारी के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई है। मालूम हो कि वर्तमान में अंशु कुमारी भागीरथ उच्च माध्यमिक विद्यालय निर्मली की 10वीं की छात्रा है। बता दें कि बिहार राज्य रग्बी के सचिव पंकज कुमार ज्योति एवं बिहार रग्बी कोच गौरव चौहान के द्वारा अंशु को राज्य स्तरीय टीम में शामिल किया गया है। इससे पहले ये पुणे में आयोजित अंडर 18 नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में बिहार की ओर से खेलते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुकी हैं। बिहार में मौसम ने ली करवट। एक बार फिर से मौसम ने बिहार में करवट ले ली है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई जिलों में वज्रपात और भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। हालांकि बारिश होने की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है। मालूम हो कि मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई जिलों में बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में इस तरह की स्थिति कल यानी कि 5 अक्टूबर तक बने रहने की संभावना जताई गई है। एडीआर रिपोर्ट में बिहार के सांसद और विधायक के खिलाफ हेट स्पीच के आंकड़े आए सामने। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स यानी कि एडीआर, जो कि चुनावी सुधार पर काम करने वाली संस्था है, उनके द्वारा सांसदों व विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण कर यह जानकारी दी गई है कि देश में 107 सांसद और विधायक ऐसे हैं जिन पर हेट स्पीच यानी कि नफरत फैलाने वाली भाषा देने के आरोप में मामला दर्ज है। जिसमें अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में ऐसे सांसदों की कुल संख्या 3 है, जिनके द्वारा चुनावी हलफनामों में अपने खिलाफ हेट स्पीच के मामलों की जानकारी दी गई है। वहीं बिहार में ऐसे विधायकों की कुल संख्या 9 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नफरत फैलाने वाली भाषा के इस्तेमाल के खिलाफ देश भर में अलग अलग तरह के कानून बनाए गए हैं।
जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिए सुझाव। बिहार में जब से जाति गणना की सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है, सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अब इसी को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के द्वारा जातीय गणना को आधार बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुझाव दिया गया है। उन्होंने एक्स पर, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर ट्वीट कर कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर संख्या आधारित मंत्री परिषद का गठन करे, जिससे समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व का मौका मिल पाए। दरी बिछाने वाला जमाना गया, जो बिछाएगा वही बैठेगा। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने पर आरसीपी सिंह का सीएम नीतीश पर तीखा हमला। 1 अक्टूबर को आयोजित हुई बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के कारण उसे रद्द कर दिया गया है और साथ ही आगे होने वाली परीक्षा को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं अब इस मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होना मुख्यमंत्री के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार न केवल बिहार के मुख्यमंत्री बल्कि गृह मंत्री भी हैं। बिहार के 23,000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने वाली थी। उन्होंने कहा कि बच्चे परीक्षाओं के लिए साल भर मेहनत करते और बाद में परीक्षा रद्द हो जाती है। आखिर राज्य सरकार की क्या व्यवस्था है कि परीक्षा का पेपर ही लीक हो जाता है? नीतीश कुमार की औकात नहीं है कि इसके पीछे जितने भी लोग शामिल है उन्हें जेल में डाल सके। उन्हें 1 मिनट भी मंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर। कल यानी कि 5 अक्टूबर से विश्व कप 2023 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के द्वारा क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ऐसे में अब वे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में विश्व कप की ट्रॉफी को लेकर मैदान पर आएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व कप 2023 में भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 8 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलकर करने वाली है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला महामुकाबला 14 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। मालूम हो कि भारत लगभग 12 साल बाद विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भारत ने विश्व कप की मेजबानी 2011 में की थी, जिसमें भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है सदुल्ला पलवी, गोलू कुमार, गोलू यादव तिलकई, सुरेंद्र कुमार, सुबोध कुमार, गौरव तिलकई, रंजीत मिश्रा, रंगीला भान प्रकाश, संतोष कुमार, धनंजय कुमार, मोहम्मद फहीम, अनवर करीम खान, धनराज यादव, सुदीप मंडल, मोहम्मद अफजल मंसूरी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखते हुए आपके अनुसार भारत के विश्व कप जीतने की कितनी संभावना है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।